बाद में, मेजरमेंट लेने के बाद में। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखेंगे। आप सब एक्साइटेड हो? आर यू ऑल एक्साइटेड? रेज हैंड ऑफ शोल्डर टॉप एंड ओवरलैप्ड स्कर्ट। जो स्कर्ट की पैटर्न है उसका नाम है ओवरलैप्ड असिमेट्रिकल स्कर्ट। स्कर्ट लेंथ वेस्ट टॉप के लिए हम लेंगे टॉप लेंथ, चेस्ट मेजरमेंट, वेस्ट मेजरमेंट एंड शोल्डर मेजरमेंट। एकदम सिंपल मेजरमेंट और सिंपल मेथड के साथ हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे हम स्कर्ट लेंथ। सबसे पहले हम टॉप का मेजरमेंट ले लेते हैं। टॉप लेंथ तो हमें गले के बाजू में इंच टेप रखना है, जस्ट बिसाइड नेक, टिल वेयर वी वॉन्ट, लाइक अवर क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप की तरह मैं नेवल से 2 अंगुली ऊपर तक ले लूंगी। सो 15.5 इंचेस टॉप लेंथ। फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंच। अब लेंगे चेस्ट मेजरमेंट, 34। ये मेजरमेंट आप थोड़ा लूज लो तो भी चलेगा क्योंकि लगने वाला है इलास्टिक। देन वेस्ट मेजरमेंट, जहां से हम टॉप लेंथ ले रहे हैं उसी पॉइंट से हम लेंगे वेस्ट राउंड। सो 27 वेस्ट राउंड। अब हम लेंगे शोल्डर मेजरमेंट। तो शोल्डर मेजरमेंट के लिए एक शोल्डर बोन से दूसरे शोल्डर बोन तक ले लूंगी, क्योंकि इसमें शोल्डर मेजरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसके बारे में डीपली नहीं बताऊंगी। तो नॉर्मली हमें शोल्डर मेजरमेंट ले लेना है एक शोल्डर बोन से दूसरे शोल्डर बोन तक। मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 13.5। अब हम लेंगे स्कर्ट लेंथ। स्कर्ट लेंथ हम रखेंगे नी से थोड़ा नीचे और फ्लोर से ऊपर। जहां से आपको स्कर्ट पहनना है वहां से हम लेंगे। मैं लूंगी नेवल से थोड़ा ऊपर। सो नेवल से 4 फिंगर ऊपर मैंने लिया टॉप का लेंथ और 1 फिंगर ऊपर मैं लूंगी स्कर्ट का लेंथ। सो मेरा जो है फ्लोर लेंथ 37 आ रहा है, बट फ्लोर लेंथ मैं नहीं लूंगी, पीछे से भी थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। ऑलमोस्ट फ्लोर से 1 to 2 इंचेस ऊपर ले लूंगी। यानी कि आप लोग एकदम बैक बैक से लेंथ ले सकते हो, क्योंकि फ्रंट से तो हमारी थोड़ी ऊपर रहेगी, क्रिस क्रॉस रहेगा। तो मैं बैक के अकॉर्डिंग ही फ्रंट से लेंथ ले रही हूँ। यहाँ पे मुझे लराड़ी लेंथ चाहिए 37। सेम पॉइंट से हम लेंगे वेस्ट मेजरमेंट। वेस्ट में हम डालने वाले हैं बैक में इलास्टिक। वेस्ट मेजरमेंट 28। ये एकदम फिट लेना है क्योंकि इलास्टिक डालेंगे तो हमें फिट चाहिए। तो सारे मेजरमेंट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बार ड्राइंग करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से हम इस स्कर्ट और टॉप के ड्राइंग कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। डबल लेयर का रखेंगे। ये है ब्लाउज यानी कि टॉप एंड ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्कर्ट। ठीक है, ये है क्विक ड्राइंग स्कर्ट और टॉप की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे और फैब्रिक डिटेल्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें फैब्रिक चाहिए इसके अंदर। ये ड्राइंग कैसी लगी आप सबको? दिख रही है ड्राइंग? चलो तो देखो, फैब्रिक मैं ले रही हूँ यहाँ पे सॉफ्ट सेटिन, जिसमें मुझे स्कर्ट में लाइनिंग ना लगाना पड़े, इसलिए अस्तर नहीं लगाना। एंड ब्लाउज में मैं अस्तर लाइनिंग लगाऊंगी ताकि जो है ब्लाउज स्टिफ रहे। तो कॉटन लाइनिंग मैंने ले लिया है, आप क्रेप भी ले सकते हो। अभी देखो, मुझे डक का ध्यान रखना है कि डक का मुंह जो है ऊपर रहे। ये डक ही है ना शायद, या स्पैरो है। चलो तो सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट की फुल लेंथ मुझे चाहिए 37। तो अभी हम थियरी देख लेते हैं पहले कि स्कर्ट की कटिंग हम कैसे करने वाले हैं। तो ये है स्कर्ट की थियरी, आप लोग 2 सेकेंड तक ये देख सकते हो।
कि सबसे पहले हम काटेंगे बैक पार्ट, उसके बाद हम काटेंगे बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट, क्योंकि वो ओवरलैप है। अब देखो मैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फाड़ के सीधा कर लूंगी। ऐसे कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक बना रहे हैं तो हम फाड़ के पहले सीधा कर लेंगे। ब्लाउज में भी स्लीव्स की कटिंग करने से पहले हम फाड़ के सीधा कर लेंगे, और जिसमें भी फाड़ के सीधा नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसे एक धागा खींचने वाला मेथड भी होता है जिससे हमारे सीधी लाइन आ जाती है। वो इतना डीप में हम नहीं सीखेंगे क्योंकि वो लहंगे में काम आता है वो वाला मेथड। तो अभी मैं स्कर्ट की बैक की लेंथ मार्क करूंगी। तो स्कर्ट की लेंथ मेरी है 37। 37 में से फ्रिल लगानी है मुझे 4 इंचेस। 4 इंचेस होगी ऐड फ्रिल, सो फिर फ्रिल 4 इंचेस हमें चाहिए। सो 37 माइनस 4 इंचेस तो कितना बचेगा, 33 इंचेस। सो 33 प्लस 1 इंचेस मार्जिन, 34 टेकिंग बैक लेंथ। ये फोल्ड वाला साइड है, मैंने फोल्ड करके रखा है फैब्रिक। 34 इंचेस लेंथ, वहां से हम एल शेप से सीधी लाइन खींच लेंगे या फिर सीधा फाड़ भी सकते हैं। सो 34 यहाँ पे और 34 यहाँ पे। अब हम लेंगे यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंचेस मार्जिन एंड 2 इंचेस फॉर इलास्टिक एक्स्ट्रा। सो वेस्ट है 28, 28 डिवाइड बाय 4 7, 7 प्लस 1 इंचेस मार्जिन, 2 इंचेस फॉर इलास्टिक, 2 इंच इलास्टिक के लिए। और फ्रंट में हम ये 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि फ्रंट में इलास्टिक नहीं चाहिए। अब मैं ए लाइन बनाऊंगी यहाँ पे, यहाँ से 1 इंचेस अंदर हमें ऐसे काटना है कर्व शेप में, दिख रही है ना मार्किंग, ऐसे राउंड शेप में हम लेंगे। ठीक है, भले आप यहाँ से 1 इंच बढ़ा के ऐसे ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ में। तब जो जितनी लेंथ मेरी यहाँ से आ रही है उतनी ही लेंथ सेम यहाँ पे होना चाहिए। फ्लेयर आप 22 24 इंचेस जितना रख सकते हो। अगर आप कम लेंथ प्रिफर करते हो तो कम लेंथ करेंगे। ये हम काट रहे हैं ए लाइन, मैं भी देखो जितनी विड्थ है उससे थोड़ा सा कम ही ले लेती हूँ। अब इसको काट लेंगे, बैक पार्ट हो चुका है। अगर आपका हिप ज़्यादा है तो आप यहाँ से हल्का सा ज़्यादा ले सकते हो, हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। ए लाइन में कभी भी हमें हिप चेक कर लेना है। चलो अभी हम काटेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए मैं ऐसे डबल फोल्ड करूंगी, बट डक स्ट्रेट रहे इसलिए मुझे पहले स्ट्रेट काट लेना है। देखो यहाँ से हम लेंथ लेंगे, लेंथ डिसाइड की है 34, सो 1 इंच में एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ, 35। ऐसे हमें 2 पीस चाहिए फ्रंट के लिए, और साइड में जो बचेगा उसमें से ब्लाउज भी शायद कट हो जाएगा मेरे। अब दोनों डक का मुंह मैं स्ट्रेट रख के देखूंगी। ब्लैक वाला लगाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते आप।
देखो ये डबल फैब्रिक है, लगा दो। तो देखो सीधा और सीधा आमने सामने होना चाहिए ये कटिंग करते वक्त। लेंथ के अकॉर्डिंग दो पीस काट लिए मैंने। आप लोग बोल सकते हो, आप लोग की आवाज़ नहीं आई। आती है? नहीं आती है। अब इस पे मैं रखूंगी बैक पार्ट। जो ए लाइन वाला पार्ट है वो मैं साइड में रख रही हूँ। बिल्कुल सीधे पे मैं ये सेट करूंगी। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है तो एकदम ग्रेन लाइन पे ध्यान देना होगा मुझे, मतलब ये सीधे पे रहेगा एकदम स्ट्रेट। तो देखो आपको पता चल रहा है कि ये ए लाइन पे रखा है हमने। ए लाइन वाला पार्ट साइड में और सेंटर वाला पार्ट के साइड हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए रहेगा। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेती हूँ मेरे साइज के अकॉर्डिंग। 2 इंचेस पे, और फ्रिल अलग से ही रहेगी, फ्रिल से हमारी विड्थ नहीं बढ़ेगी। तो मैं यहाँ सेंटर से ले रही हूँ 3 इंचेस एक्स्ट्रा। हाँ स्कर्ट की हाइट हमने पहले ही माइनस कर दी, इसलिए 3 इंच जितना मैं यहाँ सेंटर से ले रही हूँ। तो 3 3 6 हो जाएगा, सेंटर से 3, फिर इधर से 3 4 ले लेते हैं। और फिर आपको यहाँ से मिड से कितना ऊंचा चाहिए स्कर्ट, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो मिड से आपको कितना ऊंचा चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ ले लूँगी 4 इंचेस। थियरी में मैंने 2 to 3 इंच रखा, लेकिन आपको अगर 4 या 5 जितना भी लेना है तो ले सकते हो। तो अभी मुझे 4 इंच जितना तो ऊपर चाहिए सेंटर से, तभी लुक आएगा। तब मैं इसको जो है इस मार्किंग से मिलाते हुए साइड में ऐसे मिला लूँगी। पहले साइड में ए लाइन वाला काट लेते हैं। ए लाइन में से मुझे जो है यहाँ से पीछे मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया था इलास्टिक के लिए, तो आगे मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना। सो मैं लूँगी 7 + 1 8। हाँ 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और पीछे जो 2 इंच लिया वो इलास्टिक के लिए था। आगे इलास्टिक नहीं रखने वाले, बेल्ट रखने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि ओवरलैप की तरह पहनने वाला रखेंगे, लेकिन वैसे बहुत ओवर हो जाएगा, ज़्यादा ही टफ भी होगा। साइड से कट हो गया। अभी हम यहाँ से काट लेंगे, इस तरह दिख रहा है ना ये। फ्रंट वाला पार्ट ओपन में ही और पीछे वाला पार्ट फोल्ड। वहाँ मार्क किया था, यहाँ हमने मार्क किया था 4 इंच ऊपर। यहाँ मैं अभी नॉच बना दूंगी, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर भी यहाँ भी नॉच बना देते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऊपर का शेप कट नहीं किया मैंने, फ्रंट में बैक में कर दिया था। ऊपर का शेप काट लेते, राउंड शेप में राउंड। हो गया। अभी इसमें सिर्फ फ्रिल लगानी है और ऊपर का बेल्ट बनाना है। अभी हम टॉप काट के रख देते हैं, थोड़ा इसमें ये रिंकल्स है वो हटा देते हैं। फ्रिल 4 इंच की रेडी, सिंगल फ्रिल लेंगे और 4 इंच की रेडी चाहिए तो 5 की हम काट लेंगे। तो पहले हम ब्लाउज
काटते हैं ब्लाउज और सिल्क का, देखते हैं कि दोनों आसानी से हो जाएगा नहीं। देखो सेंटर से हमने 4 लिया तो यहाँ से इतना 4 जितना ऊपर हो रहा है, तो किसी को अगर कम चाहिए जिसको ज्यादा पैर नहीं दिखाना तो 2 इंच भी ले सकता है, लेकिन 4 तो एकदम मिनिमम लिया है। ये तो यहाँ ही आएगा ना सिर्फ। किसी किसी को तो इतना भी ऐसे चाहिए होता है। चलो अभी वो रंग भर दो जो कटिंग हो गए वो अलग रखते हुए, देखो अभी फैब्रिक हमारा कितना था उसमें हमारा चला गया 2.5 मीटर जितना, तो एटलीस्ट 5 मीटर जितना, 4.5-5 जितना तो चाहिए, इतना ही था मेरा, 5 मीटर था। तो अभी फ्रिल भी आसानी से निकल जाएगी और ब्लाउज भी निकल जाएगा, तो मैं ब्लाउज की पहले कटिंग कर रही हूँ लाइनिंग पे। तो चलो पहले टॉप की थियरी देख लेते हैं कि कैसे काटना है। तो टॉप में पहले हम बेसिक ब्लॉक की मार्किंग करेंगे, उसी से हम सेंटर से एक्सटेंड करेंगे इलास्टिक के लिए, क्योंकि इलास्टिक रखना है हमें। और फिर जो सबसे नीचे वाली मार्किंग है वो फ्रिल की है, जो ऊपर फ्रिल लगेगी वो शोल्डर राउंड से डबल होगी साइज, ताकि इलास्टिक डाल के हमारा शोल्डर के बराबर हो जाए। मैंने जो बनाया था वैसा ही है ये तो, पर मैंने ऐसे करके बनाया था। तो चलो मार्किंग करते हैं स्टार्ट। और बैक और फ्रंट दोनों भी सेम होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें हम। पहले मैं 4 फोल्ड कर देती हूँ, डबल फोल्ड है, 4 फोल्ड लेंथ के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर देंगे। वन मीटर लाइनिंग, क्या हो गया, बीमार हो गया यार। तो देखो ये डबल फोल्ड और ये अभी 4 फोल्ड, यानी 4 लेयर हो गया। नीचे एक लाइन खींच देंगे सीधी, यहाँ से हम लेंगे टॉप की लाइन। टॉप की लाइन डिसाइड की थी 15.5, सो प्लस 1 मार्जिन 16.5। यहाँ से हम लेंगे आर्मोल लेंथ। आर्मोल लेंथ किस तरह से लेना है वो थियरी में था, मैं 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग 7.5 लूँगी, तो यहाँ से मैं सीधा बढ़ा दूँगी। अब सेंटर से हमें इलास्टिक के लिए लेना है 3 इंचेस जितना एक्स्ट्रा, फिर हमें मार्किंग करनी है पूरी। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2। शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ, शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ। यहाँ से हम इस पॉइंट से बैक आर्महोल बना देंगे और यहाँ से मैं जाऊँगी 2 इंचेस डाउन और 1.5 इंचेस जितना अंदर, और इस तरह से शेप मार्क कर लेंगे। नेक आपको कितना डीप चाहिए उतना आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे 6 जितना ले रही हूँ, यहाँ से थोड़ा डीप चाहिए थोड़ा डीप ले लेना। वैसे तो यहाँ पे फ्रिल लगेगी तो उसमें जो जो हमारी फोटो है उसमें तो एकदम स्ट्रेट है, बट मैं थोड़ा सा डीप ले रही हूँ, थोड़ा कम कर देता, फोटो है उसमें एकदम स्ट्रेट टाइप है। तो अभी इसको काट लेते हैं, आगे पीछे दोनों का पार्ट हो गया है।
फ्रंट और बैक दोनों सेम रहेगा। साइड में ऐसे में क्रॉस में काट रहे हो, आप स्ट्रेट भी काट लोगे तो चलेगा, इलास्टिक आ जाएगा, वेस्ट का शेप सही रहेगा। वैसे मोटे लोगों के सीधा काटो तो चलेगा। हाँ यहाँ इलास्टिक है, जो 3 इंच है वो हम पूरा इलास्टिक में कवर कर देंगे। सिर्फ 3 ही लिया मैंने, क्योंकि अस्तर भी लग रहा है तो ज्यादा ही मोटा मोटा हो जाएगा, फिर ऊपर फ्रिल आएगी। अभी तो चालू है, कितना सारा स्टिच करना बाकी है। आप लोग ने कॉफी पी ली ना सबने? नहीं, मैं ले लेती हूँ। सोलह नहीं, 14 14। चलो आप सब कमेंट में बताइए कि आप सब कितने साल के थे तो आप लोगों ने स्टिचिंग सीखी। आप लोग कितने साल के थे तब आप लोग ने स्टिचिंग स्टार्ट करी? मेरे जैसे, मेरे से 6 महीने से। मेरे घर पे तो कोई नहीं स्टिच करता था, मेरे घर पे कोई नहीं स्टिच करता था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। ये अच्छा किया आपने, थोड़ा उजाला आया। चलो आगे पीछे दोनों का हो गया। मैंने 2 बार क्यों अलग अलग क्यों काटा, साथ में ही हो जाएगा। वो तो मैंने दिखा ही नहीं, ऊपर नीचे हो गए। पंछी बनो उड़ता फिर समझ के लिया। कोई बात नहीं, ये बैक में डाल देंगे, ऊपर फिर आ जाएगी। कपड़ा बचेगा तो एक और काट लेंगे, आप काट देना दर दर साइड में। हाँ चलेगा। मुझे इस फ्लैग समझ के लिए। चलो अभी फ्रिल के लिए इतना कपड़ा बचा है अपने पास। अब उसके अंदर फोटो वापस कहाँ गई? डबल फ्रिल है, हम सिंगल ही फ्रिल करने वाले हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हाँ कपड़ा भी कम है और डबल नहीं करनी है हमें, सिंगल ही ठीक है अपने। हाँ चलो अभी हम काटेंगे जलेबी। चलो अभी हमें काटनी है जलेबी। जलेबी काटने के लिए आपको एटलीस्ट दोनों तरफ 20-20 इंच कपड़ा चाहिए, चारों तरफ मान लो, ठीक है? वैसे इसमें तो बिना जलेबी भी हमारी कट जाती। तो पहले हम ऐसे राउंड स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है मार्किंग नहीं दिख रहा। ब्लू ट्राई करो, वाइट ट्राई करो। वाइट तो डक के साथ मैच हो रहा है। दिख रहा है मार्किंग विनोद? चलो अभी हम ले लेंगे 6-6 इंच। स्केच पेन कहाँ चला जाता है भाई? चलने वाला है ये, ट्राई करके आप दिख रहा है। छह इंच 6-6 इंच क्योंकि रेडी नहीं, 5-5 चाहिए हमें।
फाइव फाइव ले लेते हैं अभी। फाइव चार सर्कल आएंगे, फाइव हो जाएगा। इसी तरह पूरी जलेबी काट लेंगे, हमें बहुत सारी चाहिए वैसे भी। अगर ज़्यादा होगी तो एक की लाइन थोड़ी कम कर देंगे और डबल कर देंगे। देखो यहाँ से चालू किया, फिर फाइव फाइव इंच ले लिया, जो सिक्स आया उसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। तो देखो हमने किस तरह से काटा, सेंटर से ऐसे लिया, ये पूरा फाइव फाइव इंच। ये पूरा फाइव फाइव इंच लिया, और अगर हमें मापना हो कि हमें कितना इंच चाहिए, उतना इंच आ रहा है नहीं, तो अंदर से मापना है यहाँ से ये। लेकिन मापना नहीं अभी, तो हमें काटना है फटाफट। मैं तो रेगुलर में पहनने वाली हुई है। ऐसा डेयर में पहली बार करने वाली हूँ स्कर्ट टॉप पहनने का। कुछ पता नहीं चल रहा होगा उसमें तो, बुक में बता दिया बट मैंने तो चलेगा। देखो हमने ऐसे काटा, काटो लव। जैसे गेम खेल रहा हूँ, ले तेरी बारी ले मेरी बारी, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, बस बस अब आपका सर आ रहा अभी। दिख रहा है ना कैसे हमने काट लिया, इसको हम डबल भी लगा सकते हैं अब ज़्यादा बचेगा तो। ज़्यादा तो फोल्डिंग टफ है, बाकी तो ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से जलेबी पाएंगे।
चलो अब सारी कटिंग हो गई ना, अभी ऊपर की शोल्डर वाली फ्रिल बाकी है, ये हमारा हो गया स्कर्ट का। बस लास्ट इतना ही कपड़ा है। अच्छा अभी देखो हमें शोल्डर का राउंड लेना है जिससे हम डबल ले लेंगे, और डबल का फैब्रिक नहीं है तो 1.5 गुना हम ले सकते हैं। 38 वैसे तो एकदम ऊपर से ही रहेगा ऐसे। थर्टी एट जितना है तो 38 का डबल हमें लेना है। 38 का डबल लेने से अच्छा है 13 इंच ऐड कर लेते हैं। 38 + 30 सो 68, 68 60 इंच के अकॉर्डिंग काट लेते हैं। चलो 38 + 20 हो गया 16। 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ब्लाउज लास्ट में काटना चाहिए था मेरे को, फुल कपड़ा मिल गया था। अब ये 4 फोल्ड है तो 60 का 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 15, 15 चाहिए हमें ये। इस तरफ से काटेंगे। ब्लू वाले फोन का है बोला। सिक्सटी डिवाइड बाय 4 15 चाहिए, बट 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 3.14, 60 डिवाइड बाय 3.14 19। नाइनटीन का हाफ लेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड है, फुल सर्कल है। 9.55 हमें लेना है। 9.55 हम लेंगे तो प्रॉपर 15 आ जाएगा। यानी आप पूरे जो आपको राउंड चाहिए 60 इंचेस वेस्ट का डबल, उससे आप 6.28 कर सकते हो अगर आप फुल सर्कल वाली फ्रिल लगा रहे हो। अगर हाफ सर्कल वाली लगा रहे हो तो 3.14। ये फुल सर्कल वाली है जो अभी आपको पता चलेगा काटने के बाद। अब मैं ये मेजर करूंगी तो कितना हो जाएगा, 15। ये 15 हो गया। यहाँ से हम फ्रिल की लेंथ ले लेंगे, ये भी सिंगल ही लगानी पड़ेगी लगता है। 4 5 है ये, 5 रेडी ले रहा है तो 6 ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का 6 चाहिए हमें, उसके बाद हम ऊपर से पूरी मार्किंग करेंगे। ऐसे काट लेंगे क्योंकि मार्किंग नहीं दिख रही ना। जिंदगी में ना
तो देखो इतना इनफ है, अभी इलास्टिक लग जाएगा तो भी, क्योंकि फुल सर्कल कटा है। फुल सर्कल कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि देखो ये आगे का है और ये पीछे का, तो सर्कल जो है फुल बन रहा है। इन शॉर्ट आपको जो है, भले आप 3.14 से करो या 6.28 से, आपको जो है मार्किंग के बाद ये माप लेना। ये मापने के बाद भी हमें फोर फोल्ड और डबल फोल्ड का ध्यान रखना होगा। चलो तो ये ब्लाउज भी कटिंग हो चुकी है, अभी हम मशीन पे बैठेंगे। 5-10 हो गया है। ये देखो ये इस तरह से होगा, ये जैसे कि ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पूरे में हमारा इलास्टिक लगने वाला है, नीचे भी इलास्टिक लगेगा। कैसे लगी टॉप की कटिंग? पहले टॉप बनाना चाहिए है स्कर्ट? पहले टॉप बना लेते हैं, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। क्या है भाई, चालू रुको, ये पूरी स्कर्ट की कटिंग और वो ब्लाउज की कटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लाउज से, मतलब टॉप से। कि आप क्यों इतना जल्दी जा रहे हो? सबसे पहले हम आर्म होल्स को मोड़ देंगे। मतलब पलटा देंगे। बाय।
नीचे से भी पलटा लेंगे, नीचे इलास्टिक कैसे लगाना है पलटाने के बाद वो भी हम देखेंगे। सेम फ्रंट पार्ट को भी। सेंटर मैच करते हुए पलटा लेंगे क्योंकि ये सेटिन है तो बढ़ रहा है एक तरफ से। आलपिन लगा के भी पलटा सकते हो, आप सब तो एक्सपर्ट हो वैसे बिना आलपिन ही करोगे। मैंने नेक क्यों पलटा लिया? नेक नहीं पलटाना, आर्मूला और नीचे का पलटाएंगे। नेक वाला ओपन कर देंगे। बस कैची दो ना रॉड वाली। मैं थोड़ा, मुझे लेंथ लंबे का डाउट हो रहा है तो मैं थोड़ी लेंथ जो है कम करके अंदर स्टिच लगा दूंगी। ये ओपन करो ना, सिर्फ ये नेक वाला यहाँ से यहाँ तक। मेरे आर्मोल और नीचे का पलटा लेना। अब मैं इलास्टिक लगाना बताऊंगी कैसे लगाएंगे। कट एंड रिवर्स। अब इसको थोड़ा आयरन कर देंगे। उल्टा उल्टा ही रहने, उल्टा कट वगैरह बाकी है। यहां से काट दो।
निकला। लाइनिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। चलो अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। इलास्टिक लेंगे 0.25 या हाफ इंच वाला, वेस्ट के हाफ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये काट दूंगी। सो वेस्ट हाफ 20/2 14, थोड़ा सा कम ही ले लेंगे ताकि फिट रहे। शोल्डर के लिए भी काट लेंगे। फुल ओवरऑल शोल्डर मेरा कितना है, 38। 38 में 4 इंच कम कर लेते हैं, 34 फिटिंग के लिए। फ्रंट पार्ट को लूंगी, उस पर मैं सेट करूंगी इसको। इस पर थोड़ी इस्त्री घुमाओ ना, डबल करके ही घुमा दो। नीचे हम इलास्टिक कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो फोल्ड मैंने कर दिया है, इसके अंदर से मैं इलास्टिक को डालूंगी। इलास्टिक के ऊपर स्टिच करूंगी। अंदर से हाथ से इलास्टिक को मैनेज करूंगी और ऊपर से स्टिच करते जाऊंगी। इलास्टिक पे बिल्कुल बिल्कुल भी स्टिच नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक के जस्ट बाजू में स्टिच रहेगी। आप फोल्ड करके अगर आपको नहीं फा रहा है तो आपको पट्टी लगानी होगी, जो मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा मोटा हो जाएगा। अब इलास्टिक को थोड़ा खींच लूंगी।
अब इलास्टिक पे स्टिच करके आगे से पैक करना है। नीचे का रेडी। अगर आपको ज़्यादा गैदर नहीं जो चाहिए तो नहीं चाहिए तो 3 के जगह 2 इंच भी ले सकते हो, गैदर वाला अच्छा लगेगा। लेकिन देखो अब ऊपर कैसे गैदर लगाना है वो हम देखेंगे। ऊपर भी बिना पट्टी के ही मुझे मैनेज करना है। तो ये है सीधा फ्रिल वाला एरिया, इसको मैं लगाऊंगी अंदर से। यहाँ से तो मोड़ के इलास्टिक लग जाएगा, यहाँ से मैं पहले सेंटर कर लूँगी। इसका सेंटर इसको मुझे ऐसे रेडी रखना है तो मैं ऐसे रखूंगी। इसको पलटा देंगे सिलाई करके, सेंटर मिलना चाहिए। अगर सेंटर ना बनाए तो टेढ़ा हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस बैक में कर लेंगे। अब इलास्टिक कैसे डालूंगी ऐसे। आगे पीछे का मुझे साथ में इलास्टिक डालना है तो मैं पहले पीछे का भी बना लूंगी ताकि साइड से फिनिशिंग रहे। सेंटर पहले सीधे पे सेट करेंगे, इसका सेंटर यही है, फिर उल्टे पे लगाएंगे। साइड में थोड़ा ज्यादा ले लूंगी मैं। क्योंकि साइड में पूरा यही मुड़ेगा हमारा। देखो ये परफेक्ट है, कट लगाना हो तो कट लगा सकते हो थोड़ा बहुत। अब आगे और पीछे दोनों का मुझे जॉइंट करना है फ्रिल वाला पार्ट। कहीं पे भी आटा ना आ जाए इसका ध्यान रखना है। अब मैं लगाऊंगी इलास्टिक तो यहाँ से चालू हो जाएंगे ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से। पूरा मेरा इलास्टिक रेडी है राउंड। एक बार कहीं से भी डाल देंगे, फिर कहीं अगर हमें डाउट रहेगा कि स्टिचिंग में दिक्कत हो रही है तो फिर हम पैर निकाल लेंगे मशीन का। ऐसे करना है हमें। थोड़ा लॉक। अब इसको ले आऊंगी ऊपर।
अस्तर बाहर ना जाए, इसका ध्यान रखना है। अभी देखो हमारा नेक वाला पार्ट आ गया, इलास्टिक कहाँ गया? इलास्टिक को रखेंगे अंगूठे की मदद से बीच में, लाइनिंग बिल्कुल भी हमारा बाहर ना जाए इसका ध्यान रखते हुए सीलेंगे। थोड़ी देर बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, कैसे किया। ऐसे वाले टॉप्स मैंने बहुत बनाए हैं लेकिन ऐसा एग्जैक्ट सेम नहीं बनाए मैंने। अब इलास्टिक को थोड़ा खींचने की बारी आ गई है। अब देखो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे अब आइडिया आएगा। कैसी क्वालिटी दिख रही है लाइव में? अच्छी 720p पे नहीं 180p पे दिखती है हमेशा। सेवन ट्वेंटी हाईएस्ट है, मतलब कुछ गड़बड़ है, आज ब्लर दिख रहा है। सही है, इतना ही आ रहा है ये। अब हम इलास्टिक को खींचेंगे खींचेंगे। एक तरफ का मैंने पूरा निपटा दिया है, दूसरी तरफ आ चुकी हूँ। ये स्टिच होते ही हमारा टॉप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर से फ्रिल आगे से फिनिश करनी है और साइड फिटिंग जो कि नॉर्मल स्टिच लगानी है। यहाँ आते ही मैं क्या करूँगी, इस टॉप को ऊपर रख दूंगी। अब मैं हाथ को रेडी रख लूंगी नीचे इलास्टिक को सेट करने के लिए। मतलब बिना पट्टी लगाए हमने किया, पट्टी लगा के करो तो ज्यादा इतना गोलमाल करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर एक पट्टी लगा लो। लेकिन मैं पट्टी लगाती तो बहुत मोटा हो जाता, जो मुझे नहीं चाहिए। ये आवाज क्यों आ रही है इसमें से, ट्राइपॉड में से? अब एक बार निकालूंगी और इलास्टिक को थोड़ा सेट करेंगे।
ये इतना बाकी है, अब लगाना। बस इलास्टिक पे कहीं सिलाई आ गई तो पास नहीं होगा, आगे से आगे। तो चलो अभी इतना बाकी कर लेते हैं। ये देखो, किस किस को समझ में आ रहा है कि कैसे करा किया ये, रेज हैंड करके बताओ। अब की बार इलास्टिक पे सिलाई आई पक्का। एक बार पूरे में एक बार अगर इलास्टिक पे सिलाई आएगी तो चलेगा, अगर दो बार आई तो दो जगह से लॉक हो जाएगा, फिर इलास्टिक पास आउट नहीं होगा। धागा तुरंत काट लेंगे। रेडी, चलो अभी इसके बैक में नीचे इलास्टिक लगेगा तो कुछ लुक समझ में आएगा। इधर थोड़ा इलास्टिक जो है लूज हो गया, वो मुझे सही करना होगा, बाकी सब जगह देखो इक्वल एकदम अच्छे से आया फिनिशिंग। यहाँ पे भी इलास्टिक लगा लेते हैं।
इतना ओपन करना पड़ेगा। नहीं यहाँ से सही है। चलो अभी टेबल पे स्विच करना है। ये देखो ये ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी रील लंबी होती तो अभी चलता। साइड फिटिंग और फ्रिल के नीचे की फिनिशिंग। कितना टाइम हुआ? क्या 6 बजे? मुझसे ज्यादा टेंशन तो इनको हो रही है, घर से जाना है ना? कैंची क्या आ रहा है मेरे पैरों में बार बार? मार्जिन 2 इंच लिया था, 1.5 इंच पे मैं स्टिच कर लेती हूँ। इसको फोल्ड करेंगे।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ बोली नहीं, या सच में नहीं आ रही आवाज? क्यों बोल बोल करती ना? आप लोग कुछ पूछो तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि अभी इसमें फोल्डिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा टॉप और स्कर्ट जितना टाइम लगेगा स्टिच करने में, उतना इसकी फोल्डिंग और नीचे वाले फ्रिल की फोल्डिंग में लगेगा। इसकी फोल्डिंग में बताऊंगी, नीचे वाले फ्रिल की फोल्डिंग में स्किप कर दूंगी। इसमें पीको भी अच्छा लगता और इसकी लेंथ तो थोड़ी 7 इंच जितनी अच्छी लगती है। ये फोल्डिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्या ये? रहने दो, धीरे धीरे से। पहले एक स्टिच एज पे कर देते तो फटाफट होता, अभी भी कर देते हैं ट्रैक पे आ जाते हैं एक स्टिच पे। क्या बहुत सा अटका फिर क्या बहुत सा अटका फिर आप फोल्ड करते हैं।
ये पंखा चालू करूँ, गर्मी हो रही है। चलो अभी हम स्कर्ट स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा ये? पहले स्कर्ट की हम साइड स्टिच करेंगे, स्विच कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों तरफ ए लाइन है। साइड स्टिचिंग कर देंगे। और साइड स्टिच में कवर सिलाई नहीं करूंगी मैं, क्योंकि फ्रिल वाले तरफ मुझे इंटरलॉकिंग करवाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग हो जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्ट फैब्रिक में आलपिन लगा के कर सकते हैं, ताकि दोनों में से कोई खींचे तो पता चल जाए। हेलो हेलो, आवाज सच में नहीं आ रही है क्या? अब बोले आवाज पता नहीं कब आएगी। अभी भी वॉइस नहीं आ रही। आज तो 8 बजेंगे अपने लाइव क्लास में। हाँ
8 तो बज जाएंगे। ये कितना टाइम हुआ? 6 हो गया, 6:15 हो गया होगा शायद, 6:15। डबल स्टिच कर लेंगे। अभी अपना कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा? राइट साइड वाला पार्ट ऊपर रहता है गर्ल्स में, तो ये वाला पार्ट हम अंदर रख के स्टिच कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट होना चाहिए 14, बैक के पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा था, राइट? सो फ्रंट के पार्ट को मैं 14 जितना देख के स्टिच करूँगी। स्टिच करने से पहले मैं नीचे का फ्रिल रेडी कर लेती हूँ। यही फ्रिल लग जाती इधर, यही फ्रिल लग जाती इधर सेम। हमने स्कर्ट के लिए फ्रिल काटी, वो फ्रिल भी आप नेक में लगा सकते हो बच्चे। तो अब मैं थोड़ी प्लीट्स करूंगी इसके अंदर, ज्यादा प्लीट नहीं चाहिए, मशीन के टेंशन को टाइट कर लूंगी। पीछे गैदर बन रहा है देखो। ये देखिए, मैंने बस मशीन के टेंशन को टाइट किया और मशीन को 5 नंबर पे सेट किया। देखो नीचे फ्रिल आ रही है, उसका वीडियो बनाओ। एकदम इक्वल गैदर आ रहे, देखो कितने परफेक्ट। ना पड़ जाए स्कर्ट का जितना थोड़ा सा लेवल हमारा ऊपर नीचे हो रहा है उसको मैं काट लूंगी। आप नीचे रख के भी काट सकते हो, वो जो टाइम कम है नीचे रख के काटने का।
इससे हमारे शेप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रंट के दोनों तरफ ज्यादा हो रहे थे, और यहाँ देखो ये सीम हमारे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, खिंचा हुआ नहीं लग रहा। चलो पूरे में लगा लेते हैं। फ्रिल का स्टार्टिंग वाला एरिया फोल्ड कर देंगे। वापस मशीन को नॉर्मल कर देना। पूरे पे हमें फ्रिल लगा लेनी है राउंड वाले एरिया में। हाफ इंच नीचे से इसमें स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ऊपर बेल्ट में हमारा नहीं आना चाहिए ये। नीचे वाले पार्ट को खींचने नहीं देना बिल्कुल। आप एक काम करोगे, जो चीजें पड़ी है ना उधर देखो, इलास्टिक का रोल है क्या? 1 इंच का इलास्टिक का बड़ा रोल था शायद, इधर है या फिर नीचे ढूंढना पड़ेगा अगर नहीं मिलेगा तो। मिल गया। बस और कुछ नहीं चाहिए, इसी की टेंशन हो रही थी। नहीं इसको रंग अब आपको क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा? वो तो फोल्ड नहीं करूंगी मैं, पीको करने के लिए दे दूंगी। सबसे खतरे वाला काम है वो तो। कितने इक्वल गैदर आ गए हमारे। ऑटोमेटिक मशीन में गैदर कैसे? क्या ऑटोमेटिक मशीन में? किसी भी मशीन में गैदर बना सकते हो, मशीन का टेंशन आपको टाइट करना होगा। ऑटोमेटिक वाली मशीन में देखो ये वाला, ये दिखाओ। ऑटोमेटिक वाली जो पोर्टेबल मशीन है उसका आप बात कर रहे हो ना, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये ऊपर होता है उसके अंदर वो भरने के लिए, बॉबिन फिल करने के लिए। तो ये वाले पार्ट के अंदर आप ऐसे डाल दीजिए तो आपका धागा ऑटोमेटिक टाइट आएगा। तो पोर्टेबल मशीन वाले में ये आप हैक कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर आपको धागा डालना होगा। ओके हो गया। पोर्टेबल मशीन में ऑटोमेटिक गैदर के लिए हमें ये ट्रिक करनी होगी। अब बस प्रे करना है कि ये कम ना पड़ जाए भाई, ये तो कम पड़ा हुआ ही है थोड़ा सा। शिपमैन 1 2
थोड़ा और बनाना पड़ेगा। थोड़ी दूरी तक अंदर नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा गैदर। जहाँ आड़ा फैब्रिक होगा वहां फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी गैदर की। देख लेते हैं यहाँ जॉइंट डालने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि ये बस भी अंदर आएगा फिर लगता है इतना तो डाल ही देना पड़ेगा, फिर इतना थोड़े में नहीं होगा तो चलेगा। मतलब जो अंदर वाला पार्ट रहेगा वहां पे हम थोड़ा सा स्किप कर दे रहे हैं फ्रिल, क्योंकि कम पड़ गई है। देखो ये इस तरह से अंदर आएगा तो यहाँ पे फ्रिल नहीं होगी तो भी चलेगा। हाँ बेल्ट लगा लेते हैं। जाओ स्थान कीजिए। जहां पे फ्रिल नहीं आई वहां मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। कौन कौन बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये वीडियो देख रहा है फाइनल लुक देखने के लिए, रेज हैंड करूं। यहाँ पीको करेंगे बाद में, अभी चलो बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट लगाने के लिए क्या कहा था मैंने, सेंटर फ्रंट वाला मेरा वेस्ट का हाफ होना चाहिए। सो वेस्ट है 28, सो 14, सो बैक का, बैक के जितना फ्रंट नहीं होना चाहिए, फ्रंट अपना अलग होना चाहिए, मुझे सेंटर पॉइंट लगा लेना चाहिए था। सिक्स इंच जितना ओवरलैप होगा शेप। अब ये 14 चाहिए मुझे। फ्रंट पार्ट 14, ऑलमोस्ट 14 आ गया दिख। राइट स्टिच लगा देंगे। हमने 2 इंच बैक में एक्स्ट्रा रखा तो टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा होंगे। ओके
ये फ्रंट 14 और बैक का है 14 + 4 = 18, जो कि हमारे हिप से अगर हम पहनेंगे तो आ जाएगा, यानी जिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज का बना रहे तो आप इलास्टिक के लिए 3 इंच भी ले सकते हो। वैसे ये 7 + 3 हो गया है। अब ये जो है मेरा पूरा हिप के बराबर होना चाहिए ताकि हिप से ऊपर चढ़ जाए, नहीं तो गले में से पहनना पड़ेगा। हिप मेरा 34 ही है, 34 आ रहा है, ठीक है, क्लियर। सो 2 से 3 इंच आप बैक का बढ़ा सकते हो ऑन फोल्ड पे। अभी ऊपर का बेल्ट कटिंग करना है मुझे। बचाओ फैब्रिक लेंगे, इलास्टिक वाला रोल दो तो। उसके नीचे होगा, कैची भी। अभी देखो ये कितना है, बराबर ही आ रहा है, हमारे वेस्ट के बराबर होना चाहिए ये। थोड़ा सा जॉइंट करना पड़ेगा और विड्थ होनी चाहिए हमारे इलास्टिक से डबल प्लस 1.5 इंच मार्जिन। सो इलास्टिक है 1.5 इंचेस, सो 3 + 1.5 4.5 का मुझे फाड़ना है। फिर हम पीछे डालेंगे इलास्टिक, आगे डालेंगे कैनवास। फट नहीं रहा है, काट लेंगे। जब तक फटे हमने हमें फाड़ना ही होता है ताकि स्ट्रेट हो। डन, अभी हम बॉटम कैनवास ले लेंगे चिपकने वाला फ्रंट के लिए। सो फ्रंट है 14 इंच का, सो मैं 15 इंच का ही ले लेती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, तो 15 पे इलास्टिक जितना ही ब्रॉड है उतना हमें लगाना है मार्किंग। इलास्टिक है 1.5, इसको हम स्टिच करते वक्त अंदर रखेंगे और चिपका लेंगे हम बाद में लास्ट में आयरन करेंगे तब अपने आप चिपक जाएगा ये, अभी हम नहीं चिपकाएंगे। तो कहाँ गया मेरा बेल्ट, बचा हुआ कपड़ा। चलो चलो, ज्वाइन ना करो तो भी चल ही जाएगा।
इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। जस्ट कैनवास के एज पे बाद में हम आयरन करेंगे तो ये चिपक जाएगा। हम राउंड बेल्ट नहीं काट रहे, राउंड भी काट सकते हो। अब हम यहाँ से डाल देंगे इलास्टिक। इलास्टिक किस साइज का होगा? सिर्फ और सिर्फ हम बैक में इलास्टिक डाल रहे हैं, पीछे में। सो आप चाहे पैंट बनाओ, चाहे सलवार बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, अगर आगे का वेस्ट आपका परफेक्ट वेस्ट का हाफ है, तो अगर सिर्फ पीछे इलास्टिक डालना है तो वेस्ट का हाफ माइनस 2 इंचेस करेंगे। तो मेरा वेस्ट है 28 का आधा माइनस 2 इंचेस, 14 माइनस 2 12 में करूँगी तो एकदम परफेक्ट आएगा। सबसे बड़ा डाउट यही है कि हम इलास्टिक कितने इंच का डालें। तो ये डाउट क्लियर। वेस्ट का हाफ माइनस 2। अब आप पीछे तो मेरे वाले फॉर्मूले से कर लोगे, लेकिन आगे का आपका वेस्ट से कम या ज़्यादा होगा तो वेस्ट तो लूज या टाइट होगी ही 100%। अब मैं इलास्टिक को यहाँ कैनवास के साथ ज्वाइंट करूँगी। फिर जस्ट इलास्टिक के बाजू बाजू में स्टिच मारते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर पूरे स्कर्ट में इसको ज्वाइंट करना है। स्टिच बिसाइड, जस्ट बिसाइड इलास्टिक। एक फुट हमारा इलास्टिक के ऊपर रहेगा तो आसानी से लग जाएगा। सिंगल फुट भी लगा सकते हो अगर ना लगे तो। जैसे ही फुट नीचे आ रहा था दिक्कत हो रही है। अब इलास्टिक को खींच के दूसरे कैनवास के सिरे तक पहुंचा देंगे। यहाँ पे भी हम कैनवास और इलास्टिक को मैच कर देंगे। ये पूरा बेल्ट रेडी है उसके अंदर लगाने के लिए। इस तरह से बेल्ट बहुत ही आसानी से लगेगा। मार्जिन में हम इंटरलॉक करवा लेंगे। और मार्जिन हाइड वाला करना है तो टाइम लगेगा और फिनिशिंग भी उतनी नहीं आएगी। इसमें हमारी कोई भी स्टिच ऊपर नहीं दिखेगी। अब देखो मैं ये जो स्टिच है, स्टिच टू स्टिच फ्रंट के साइड स्टिच में मैच करने का ट्राई करूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में सीधे पे हम इस तरह से रखेंगे और पूरे में ज्वाइंट कर लेंगे। बैक वाला हमें खींच के करना होगा क्योंकि बैक में इलास्टिक है। सो सीधे पे मैं ये लगा के स्टिच कर लूँगी। सेम स्टिच पे हमारी स्टिच आएगी या इंटरलॉक हो जाएगा बाद में। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रिल को हटा लेंगे। देखो साइड स्टिच मेरी मैच हो रही है। अब इलास्टिक वाला पार्ट खींच खींच के पूरा लेके जाना है इस तरह।
अब आप जूम कर दो, बहुत वीडियो बन गए अब तो। रेडी, ये देखो पूरा स्कर्ट टॉप रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पे बाद में पीको करवा लेंगे या जो भी करना होगा स्टिच। स्टिच में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पीको ही प्रिफर करेंगे, तो अभी मैं पीको नहीं करूँगी। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे कैसा दिख रहा है। बेल्ट लगाने का तरीका आपको कैसा लगा? थोड़ी आयरन कर लेते हैं जहाँ नीड है वहाँ। यूट्यूब वाला खोलो तो एक बार। देखो यहाँ इतनी दूरी में हमारी फ्रिल ख़त्म हो गई थी। पहले मैंने मेजर किया तो बराबर लग रही थी, बट स्टिच करते टाइम जो फैब्रिक बढ़ गया है, सेटिन था इसीलिए। फैब्रिक कैसा लगा आपको? शिट, आज से वो प्रमोशन वो वीडियो बनाया ही नहीं। अब तो वो लोग मंडे को आएंगे। शिट मैन, छोड़ो। देखो इस तरफ हमारी गैदर ज्यादा है तो इसको मैं थोड़ा इक्वल कर दूंगी। दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। चलो अभी हम थोड़ी देर में फाइनल लुक दिखाएंगे।